हमारे साले साहब छिपते फिर रहे हैं। अपनी शक्ल दिखाइए प्लीज। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू द चैनल। तो आज इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयां। और आज एक और फेस्टिवल है, यानी रक्षाबंधन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, भाई बहन का पर्व है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत सारी बधाइयां। तो अभी मैं घर पे हूँ, आज छुट्टी है तो घर पे हैं। और आज ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं मेरे, तीन। रक्षाबंधन है, वाईफाई घर नहीं जा सकती है, तो वो लोग यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए आए हैं। तो अभी 11 बज चुके हैं, सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन, राखी बंधवाएंगे। तो अंदर लेके चलते हैं और आपको सबसे मिलवाता हूँ मैं। मीट माय वाईफाई आज काफी प्रिटी लग रही है। अरे यार, तारीफ करो। ज्यादा तारीफ होगी, कोई बात नहीं। हमेशा लगती हूँ ना, इसलिए आज के लिए बोल रहा हूँ। ये हमारे छोटे साले साहब हैं। क्या नाम है? समीर से। क्योंकि इसका एक दूसरा नाम है, अगर मैं वो बोल दूंगा तो फिर कहेगा कि व्लॉग में इंसल्ट कर दी जीजा जी ने, इसलिए मैं इससे पूछवा रहा हूँ। समीर सिरोही सबसे छोटा ब्रदर इन लॉ है। और ये है हमारे बड़े साले साहब आजाद भाई, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही सीधे व्यक्ति है। और एक और ये है राजा सिरोही, समीर के बड़े भाई, और ये भी आए हुए हैं। तो सब लोग रक्षाबंधन के लिए आए हुए हैं। ये हमारी सिस्टर, हमारी बहना कनिका, ये हमें राखी बांधेंगी, बदले में फिर पैसे मांगेंगी। मतलब वही चल रहा है जैसे पुलिस वाले करते हैं, साहब गाड़ी छोड़ने के पैसे चाहिए, इनको राखी बांधने के पैसे चाहिए। तो इंतज़ाम कर लिया, थोड़ी बहुत सेविंग कर ली है 10-20-50 रुपये की, जिससे कि रक्षाबंधन पर एटलीस्ट मैं कुछ दे पाऊँ, क्योंकि गिफ्ट तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ। बाकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी सब लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। तो एक बार जोर से बोल दो, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। तो चलिए सबसे पूछते हैं कि रक्षाबंधन इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है भाई बहन का, तो सबको क्या महत्व है और सबको क्यों पसंद है, तो सबसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आजाद भाई से पूछूंगा कि रक्षाबंधन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों मतलब अच्छा लगता है आपको ये? क्योंकि मेरी बहन बहुत प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, और एक बंधन होता है रक्षाबंधन, जिससे हम अपनी बहन की हमेशा के लिए सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं और उसकी हर जिद पूरी करते हैं। इसमें ये भी चीज़ होती बिल्कुल, है बिल्कुल बहुत पूरी कराती बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मतलब एक ही दिन मिलता है ये भाइयों को लपेटने का, तो एक अच्छी चीज़ बनाई है। तो अब हम संतू से पूछते हैं, संतू भाई। संतू नहीं, समीर सिरोही। समीर सिरोही, सॉरी समीर भाई। तो समीर बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों अच्छा लगता है और क्यों मनाना चाहिए सबको? रक्षाबंधन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जो राखी होती है वो ऐसा मन करता है कि पूरी साल बंधी रहे, जब तक अगली बार रक्षाबंधन ना आ जाए तब तक बंधी रहे, खुली खुले ना, मतलब बंधी रहे। तो वो एक फील आता रहता है पूरे साल। तो अब राजा जी बताएंगे हमें कि वो रक्षाबंधन को किस तरीके से देखते हैं और क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई बहन का यह त्यौहार है, जिससे कि मतलब एक बहन जो है बड़े प्यार से राखी बांधते हैं। राखी तो नॉर्मली होती है, एक धागा जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जो चीज़ होती है, जो लोग आर्मी वगैरह बिलोंग करते हैं, वहाँ रहते रहते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एक यादगार चीज़ हो जाती है। मतलब हर कोई अपनी बहन के पास नहीं आ पाता, नहीं आ पाता है। ये एक दिन बनाया है कि लोग सेलिब्रेट कर पाए। और अगर आप मेरे से पूछेंगे मुझे सबसे ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही कारण है कि मुझे घेवर खाने को मिलता है, जो पूरे साल कभी नहीं मिलता, वो रक्षाबंधन पे मिलता है। आई डोंट नो कि क्यों ये मिठाई पूरे 12 महीने नहीं मिलती है दुकानों पे, शायद इसीलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि हमेशा नहीं मिलती है, सिर्फ एक ओकेजन पे मिलती है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। घेवर बहुत टेस्टी होता है यार, जो लोग यहाँ ब्रज में रहते हैं, मथुरा आगरा अलीगढ़ में रहते हैं, घेवर क्या डिश है यार, मतलब क्या स्वीट डिश है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। अगर जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं तो घेवर ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी चीज़, भाई बहन का सिर्फ रिश्ता ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी भाई बहन या अपने बहन की रक्षा करें, सुरक्षा करें, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बहन की जितनी भी फ्रेंड्स हैं या जो भी सोसाइटी में गर्ल्स हैं, उनकी सेफ्टी भी करें, उनकी सुरक्षा करें, उनका सम्मान करें। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, बहनों के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। बाकी सब चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी, लेकिन रिस्पेक्ट वुमेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो रक्षाबंधन ऐसे ही मनाइए। तो चलिए वाईफाई से पूछते हैं और कनिका से पूछते हैं कि इन लोगों को रक्षाबंधन क्यों अच्छा लगता है, जो मुझे आंसर अभी महसूस हो रहा है कि क्यों अच्छा लगता है कि इन्हें गिफ्ट मिलते हैं और पैसे मिलते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा लगता है। बाकी ये बताएंगे क्यों अच्छा लगता है, खड़े हो जाओ थोड़ा व्लॉग में, फ्रेम में आ जाओ। हाँ, ये पैसों की वजह से ही अच्छा लगता है, मतलब बाकी और कुछ नहीं है, पैसे चाहिए। बाकी आप
मतलब अच्छा है लेकिन पैसों के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, वेट उसी चीज़ का करते हैं ना कि सही है। अच्छा भाई कमाए और बहनों को दे, अच्छी चीज़ है, देना भी चाहिए। जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग कुछ भी सेविंग कर रहे हैं, वो अपनी बहनों को गिफ्ट दें, पैसे दें, इनसे आपके रिलेशन और मजबूत बनते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। तो इन्जॉय करिए बस, लाइफ में कुछ नहीं है, मज़ा नहीं लाइफ। सबसे बड़ा होने के नाते और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इन्होंने मुझे सबसे पहले बिठा दिया है, जिससे कि ये सब लोग देख पाए कि मैं क्या दे रहा हूँ, उसी हिसाब से ये इन्वेस्ट करेंगे राखी में। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या देते हैं, पहले राखी बनवा लेते हैं। जीजा जी, हाँ जी, आइए जरा, आपकी याद आ रही है हमें? मेरी याद क्यों आ रही है उस समय? हम बेरोजगार आदमी हैं, आप रोजगार वाले हो। अरे जीजा जी सुनिए, अरे थोड़ी हल्के हो जाओ भाई। कोई बात नहीं है, आप बता दो, मैं बाद में दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन ने भी ब्लॉग में बताया था, उधारी पहली चल रही है, मुझे लिखवा जाओ खाते में कितने कितने रुपए देने हैं, सैलरी आई है मैं दे दूंगा। देखिए ये हमारे प्यारे जीजा जी हैं, इन्हीं का चैनल है, यही चैनल बना रहे हैं अपना, यही चला रहे हैं, अब इन्हीं को पैसे देने पड़ेंगे। चैनल से कमाई थोड़ी थोड़ी है भाई, इन्हीं के घर आए हुए हैं, यही रोजगार वाले हैं हम तो, बेरोजगार। बाकी 10-10 रुपए निकाल लो, 10-10 रुपए में एडजस्ट करवा देंगे। आप पहले पाइप से, पहले मेरी पाइप से पूछ तो लीजिए, 10 रुपए ले लो, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं आज का बड़ा, ऐसे कौन कहता है, बहनों के लिए बड़ा दिन है पैसे कमाने का। पहले जो है, पहले छोटी मेरी बोलती कितने पैसे चाहिए, 10 रुपया चाहिए, 10 में नहीं हो पाएगा भाई, अब तो बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, तो 20 कर दो, 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे। कोई भी निकालो, अपना अपना पर्स निकालो, बस पर्स तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है आधे मेरे को दे देना, बढ़वा रहा हूँ। ये बात तो है, निकालो पैसे, निकालो, ये निकालो, ये तो कैमरा लगा नहीं भैया, कैमरे के सामने देने पड़ेंगे भैया। 10 रुपए जीजा जी का पर्स देख ही नहीं रहा, जीजा जी अपना पर्स अपने पॉकेट में रख लिया। हमारे जीजा जी हम तो सोचते हैं बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आज पता लगा कितने बड़े दिल वाले हैं जीजा जी। अरे नहीं अरे लो, 50-50 के दिए, सभी लोग देख सकते हो मुझे पैसे मिल चुके हैं। एक ये बंदे रहे हैं जिसको मैंने सबसे पहले राखी बांधी थी, मेरे पास बड़े भैया रहे हैं, इन्होंने बड़े भैया रहना पे पैसे ही नहीं है क्या करें। मुझे पता है ये बाद में देने वाले हैं शायद, या तो ये कैमरे के सामने दिखा नहीं रहे, गड्डियां लेके आए हैं। जैसे आप देख सकते हो मेकअप धुलता हुआ,
ये मेकअप की पड़ते हो भर रही है, अभी अंदर से असली इंसान निकल के आएंगे। यार इतनी बेइज्जती मत ना करो यार, मेकअप भी कुछ भी नहीं है इतना नॉर्मल, वो तो सब करते ही करते हैं। जो जी यानी हर सुबह देखते हैं। हाँ। अरे बस करो बस करो, इतना सही, मैं तो रह गया। लो अरे देखो ये कनिका दी घेवर का पहले टेस्ट लेती हूँ, राखी पे फोकस नहीं इतना घेवर पे करती है। अरे अपना पहले पेट पूजा, वो घेवर पे नहीं, वो मेरे पैसों पे फोकस कर रखा है। मुझे मेरे मोना दीदी एक्सचेंज कर लो पैसे, पैसे एक्सचेंज कर लो ना। घेवर में मेरी बहना है सारी उम्र, हमें संग रहना है। ये घर के पैसे घर में ही घूम रहे हैं। शाम को पार्टी होगी इन्हीं से। ओके बाय।